अरे इतना जाड़ा में कौन शादी करता है महाराज? सर्दी वाला शादी ना भर नवंबर या फिर 7 दिसंबर तक के ठीक लगता है, उसके बाद बड़ी तकलीफ देता है। ना ना हम नहीं जाएंगे। रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो, प्लीज प्लीज मेरे साथ आइए, प्लीज मेरे साथ आइए। जब नहीं आता प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। ना आने का तो कोनो सवाल ही पैदा नहीं होता है भैया, बस सूचना दे देना था, हम तो पैकिंग स्टार्ट कर रहे थे। कौन बोला कि हम अलग से निमंत्रण खोज रहे थे? ना ना आप तो जानबे करते हैं हमको कोनो नखड़ा है। ना पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ वही कहे कहाँ से आपका ये ठल भाई हमको फोन कर दिया। हाँ तो ठीक है ना, मिल गया निमंत्रण, अपना दमादू खातिर करा के कलेजा को शांति पड़वा लिए ना। चलिए अभी गाड़ी बुक करिए। ना ना हम नहीं जाएंगे। कहाँ ना जाएंगे? और ऐसे कैसे ना? हाँ बुआ जी पर ना आ रहे हैं शादी में की? रिंकिया के पापा भी शादी में आ रहे हैं, सबसे पहले तो वही पैकिंग करके बैठ गए हैं। सोने के लिए फर्स्ट क्लास कंबल मिल गया है, तो दिक्कत कौन सी का? एकदम बढ़िया इंतजाम है, कोनो टेंशन ना है। यही बस यही नतीजा के कारण ना हम न आना चाह रहे थे शादी में। अब का बताए, हमको तो बोलकर लाया गया कि फुल हीटर और ब्लोअर वाला रूम का इंतजाम किया गया है। अब बताइए ना, घर का दामाद चाचा सबको ये बोरसी और कोयला देके आंगन में सुता दे। थाप से तो यही समझा रहे हैं मेरे को कि फुल हीटर और ब्लोअर वाला रूम कौन सी करिएगा जी, फर्स्ट क्लास आंगन में वाटर प्रूफ टेंट के नीचे सुताइए सबको। गलत बोले जी। तुम केटरिंग वाला आदमी है ना, जरा सा हमारा छाती में लगाने के लिए खोलल सरसों का तेल में 4 गो लहसुन डालकर लाओ तो। वो तो लग रहा है सुबह तक ठंडा से लकवा मार देगा का। अरे देखिए देखिए सलमा में आग पकड़ेगा आपका। बताओ अरे इल्लो का बस चला ना तो सुबह तक एक दामाद को ठंडा और दूसरा को आग में झुलसा कर मारिए तो दम लेगा। अरे हमसे इल्लो कभी पूछवे नहीं करता है, हमसे अगर पूछता ना तो हम तो एकदम सख्त मना कर देते कि सर्दी में शादी नो ने भर। लेकिन इन लोगों को तो हम लोग को दुर्गति करवाना है, एहलिए जान मुझ के सर्दी में शादी रख दिस। मन लगा कि लड़की वाला नहीं मान रहा है, और जब हम लड़की वाला से पूछे, एक सेकंड, लड़की वाला तो हम ही लोग ना हुए जी, चलाकी चली से सब। हम आपको पिछला बार भी बोल रहे थे लेकिन आप नहीं माने। पैसा पैसा बचाई से तो का जी, आज का हमारा गुड मॉर्निंग वाला फोटो में सबका परनाम आया है, खाली आपे का परनाम नहीं आ रहा आजकल। कहा जाते हैं ग्रुप से निकाल देंगे। बढ़िया लीजिए कंबल, और लीजिए का कर रहे रिंकी की मम्मी, और लीजिएगा। अरे महाराज हम ठीक हैं। तब तो हमारा मायके का बुराई कर रहे हैं। कहां आपके मायके का बुराई कर रहे थे? कर रहे थे जी, ठंडा नहीं लेकिन अब लगता है लू से जरूर मर जाएंगे हम। इतना सारा कंबल ओढ़ा दिए हैं, अरे बाप रे। चलिए ठीक क्या हुआ, सब दान उन वाला कंबल रिंकिया के पापा को चिपका दिए, अब यहाँ पर सोने का जगह बन जाएगा। खाना खा लो, खाना खा लो। पागल हो गया मैं? तू भाई सुनाओ, मैं पागल हो चुकी हूँ, मेरे को खाना बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बातचीत में प्रॉब्लम है। 5 लोगों ने बोला था मैं कड़ी खाऊंगा, तब आगे खा जा रहे हैं। तो तुम क्यों दे रही हो? मुझे नहीं पता 5 लोग कौन थे। तुम लोग सब खाना खाया, नाच गाना सब बाद में करना, चलो तो पहले छत पे जाके खाना खाओ। तो शादी का काम से एकदम टेंशन आ गए हैं हम भाभी, देखिए ना 4 बज रहा है और अभी तक दोपहर का खाने चल रहा है, उधर हलवाई लोग भी हम ही पे ना चिल्लाता है भाभी, फिर रात का खाना लेट होता है तो सब अलग ही गरी आता है, पैर के धर दिया है एकदम। हाँ चलवा रहे हैं चाय, एक तो खाना बनाते बनाते के बीच में चाय चलवाने का ऑर्डर आ जाता है, यही हाल रहा ना तो बराती का खाना विदाई में नसीब होगा इन लोग को, बोलने जाएंगे तो परपरिये छुटने लगेगा। अब देखिए ना हलवाई भी बड़का गुलिस्ट थमा दिया है, 500 किलो चावल, 600 किलो दाल, 1000 किलो आलू, बोलता है राक्षस का खानदान है आपका। हाँ किसको दलपोड़ी नहीं मिला है।
जब कहे ना पूरा बाराती के सामने बेइज्जत करने पर तुला हुआ है इन लोग। तुम्हारा प्लेट में खत्म हुआ है तो ऐसा बोलो ना, पूरा हदसनी हो गया था हमको। अरे ना भाभी, हम कहाँ से तैयार होंगे, टाइम मिल रहा है हमको जो पैर में घिरनी लगा के तो इधर से उधर घूरी आ रहे हैं। तब से बाराती आने के पहले कोनो साड़ी और साल लपेट लेंगे, किसी का कुछ छूट रहा है, किसी का कुछ भुला रहा है। अरे जा, इससे याद आया, ए गुड्डू हुआ है। अरे दीदी, बिहार में लोग यही कर करके तो अपना फॉलोअर्स बढ़ा रहा है, कोई टेंशन नहीं। अरे सिलौटी पे कोट पैंट पहन के हम ना मसाला पीसेंगे रे, तभी ना भारे लोगों के पास। अच्छा 20 मिनट टंगी छोड़ो और सालू की बड़ी मम्मी को टेंशन से लेकर आओ। हाँ हाँ ठीक है, जाते हैं अभी, कोई टेंशन नहीं। सुनो ना, नीचे गद्दा सब बिछा दो, हम वहीं पर सुत जाएंगे। तकलीफ कौन चाहिए, कोना तकलीफ ना है, बड़ी गोतनी है तो क्या हुआ, उतना मायने नहीं करते हैं। इतिहास गवाह रहा है चाची, घर की बड़ी गोतनी को ना परिवार से लेके जायदाद तक सब जगह से निकाला ही मिला है, और आज देखिए पलंग से भी निकाला मिल गया। बस कहने के लिए लोग की बड़ी मम्मी है हम चाची, वरना इन लोग कोनो चीज में हमको इन्वॉल्व थोड़ी करता है। शुरू से परिवार से कट कर दिया गया है हमको, क्या जाने क्यों टोकरी सब सज गया। अब देखी कल इल्लो का तिलक है, इल्लो लड़का वालों को क्या चढ़ा रहा है क्या नहीं चढ़ा रहा है हमको कुछ खबर नहीं है, और पूछने भी नहीं जाते हैं चाची। सुनने में तो आया है कि लड़का वाले लोग से खूब डिमांड किए हैं। सच बताएं चाची तो हम अपना लड़का का शादी में कुछ डिमांड नहीं किए थे, उन लोग जो दिया है अपनी लड़की को अपने स्वेच्छा से दिया है। हाँ बस इतना जरूर बोले थे कि देखिए हमारे लड़के का शौक बहुत है तो शादी का सानो सौकत में कोनो कमी मत रखिएगा, तो उस हिसाब से शादी करिए। बस चाची कितना छोटा फ्रिज चढ़ा रही है इन लोग। अच्छा अच्छा वॉशिंग मशीन है क्या, हम आप यहाँ बैठा लेना चाची, तो हम बता रहे हैं ये लोग इतने कंजूस हैं कि शादी में सोना नहीं चढ़ाने का बहाना देखिए कि हमारी सालू तो सोना पहने में नहीं करती है, क्या चढ़ाएंगे, सो कौन सौके नहीं है तो हम बोले अगर नहीं पहनती है तो दोगी ही नहीं। अरे सोना तो मड़वा का शोभा होता है, कुछ गलत बोले चाची, झूठ नहीं बोलेंगे चाची, लेकिन बंटू के पापा इन लोग के लिए इतना किए हैं, अपना भाई लोग के लिए जान देते थे, लेकिन इन लोग का लालची पना के कारण उनका दिल टूट गया। अभी हम करते हैं लेकिन वो वाला बात नहीं रह गया, अब तो किसी का भी शादी ब्याह में हम और ही बस ऐसे ही मुठप्पा जैसा आकर बैठ जाते हैं। घर की बड़ी गोतनी तो पूरा ब्रह्मांड में बदनाम है चची, लेकिन इन लोग का कारनामा कौन कहेगा। अब देखिए ये लोग मिट्टी कोड़ाई के लिए जा रहा था, हम आशा से बोले कि रुको तनी हम साड़ी चेंज करके आते हैं तब चलेंगे। अब जैसे ही हम नीचे आए तो क्या देखते हैं कि ये लोग तो मिट्टी कोड़ाई करके वापस भी आ गया। अब घर की बड़ी मम्मी गई है कि नहीं गई है इन लोग को कोनो फर्क नहीं, कोनो चिंता नहीं, हम तो इन लोग के लिए मिसेज इंडिया है। हम तो सोच लिए हैं चाची पैर पूजे नहीं करवाएंगे इन लोग से, अर्थराइटिस का बहाना मार के कुर्सी से उठवे नहीं करेंगे, देखिएगा ना, पर फिर भी इन लोग को कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, पता नहीं कौन जन्म का दुश्मनी है हमसे। अरे बुआ जी मामी जी आप लोग आगे बढ़िए ना, पहुंचवा देंगे सामान, रखे आदमी खाली हुआ। जीजा जी जरा बाहर से सामान वाले ले तो कह रहे थे कि गाड़ी का भाड़ा वाड़ा नहीं दिए हैं, रिक्शा का भाड़ा भी दे दीजिएगा, हम आपको फोन पे करते हैं ना, कोई टेंशन ना। हाँ बिट्टू जयमाला बन गया, मतलब कहे ना गुडवा हमको गूगल पे फोन पे कहीं पे चूना लगाना नहीं छोड़ सकता। हाँ काला पीपी काला। अरे भाई चलो सब, कोई बाराती आने को है, लेकिन ये मामी जी कहाँ रह गयी। लीजिएगा आप लीजिएगा, का ऐसे का देख रहे हैं, घर का मामी को सब अच्छा मेहमान नवाजी में लगाया है, बोलते नहीं है हम कभी, लड़का को मामी के हाथ से खाना खिलाया जाएगा बोल के हामी को लेडीज भेटर का ड्रेस पहना के स्टार्टर पटवा रहा है इन लोग, बोलते नहीं है हम कभी। हाँ मैडम आ रहे हैं। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए
लेकिन शादी में सब लेडीज को बनारसी साड़ी दिया गया और हमको बासमती साड़ी। सब जेंट्स लोग को भैन ह्यूजन का कपड़ा मिला और इनके मामा को कौन तो भैन हुस्न का गंदी जंगिया चिपका दिया गया, वो भी गुलाबी रुमाल के साथ। अरे और तो और हमारा बच्चा सबको अडिडास का जूता की जगह अबिदास का जूता थमा दिया गया। उन लोगों का लगता है हमको ब्रांडेड नाम नहीं पता है का, लेकिन बोलते नहीं है हम कभी। इनका ससुराल वालों को रेडिसन ब्लू में रूम मिला है और हम लोग को रॉबिन ब्लू में, वो भी डॉर्मेट्री काहे। इनकी फुआ चाची सबको शादी में तनिष्क का झुमका दिलवाया गया है और हमको टुन्नी लाल का पचकल अंगूठी। बस बोलते नहीं है हम कभी का। अब फिर से का देख रहे हैं, शादी में दूल्हा का स्वागत सबसे पहले मामी जी करेगी बोल के जयमाल स्टेज का बैकग्राउंड डांसर बनाकर नचवा रहे हैं लोग। कहीं काहे से कि बोलते नहीं है हम कभी। ये गुपचुप का स्टॉल कहने लगा है, देखी है का? हाँ मामी, जा रहे पढ़ने। आप लोग सच्चे सच्चे बताइएगा तो, हर शादी में कोई ना कोई ऐसा तो एक होइबे करता है जेकर एग्जाम ना बीच शादियों में पड़ता है और फुटल किस्मत से वो किताब हमी को जाता है। एग्जाम लेने वाला भी ना जान मुझके शादी के टाइम एग्जाम करवाता है ताकि बच्चा लोग संगीत के जगह साइंस की तैयारी करे। और हमको तो लगता है ना कि हम अपना शादी के दिन भी दुल्हन बनकर जयमाल के पहले एग्जाम में देने जाएंगे। रिंकी, ब्यूटी पार्लर वाली आ गई है, चलो तैयार हो जाते हैं। ना, हमको तैयार होने का कोई जरूरत ना है, तुम लोग जाओ। का फायदा तैयार होने का? शादी तो वैसे भी हमको हीरा ठाकुर के जैसा मुंह में साल ओढ़ के नुकिए के ना देखना है। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हैं, आओ सब लोग रूम खाली करिए। दुल्हन के रूम में कोई नहीं आएगा, सबको बता दीजिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अभी निकलवाइए सबको यहाँ से, बताए नहीं थे क्या पहले से? इसे रूम में तैयार करना पड़ेगा। बताइए, ना लाइट है ना ड्रेसिंग टेबल है, कैसे करेगी रे बबीता? जाइए अभी किसी को बोल के बल्ब और मरकरी लगवाइए। दवा का नहीं कर पाएंगे ऐसे तैयार, नहीं कर पाएंगे ना। देखे चेहरा कैसे खराब कर ली है एकदम। वैसे तो तुमको प्लास्टिक सर्जरी का जरूरत है लड़की, पर चलो करते हैं कुछ। ये आईब्रो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। देखिए ब्यूटीशियन हम है किया, मुंबई में जावेद गरीब के यहाँ 2 मंथ का कोर्स करके आई हूँ, तो विश्वास रखना पड़ेगा ना हम पे। रे बबीता देखो तो, फोटो जैसन मेकअप करने बोल रही है, इंस्टाग्राम सब में ना पूरा एडिट करके लगाता है। आजकल की लड़की लोग यही सब फोटो देख के एकदम बौरा जाती है। अरे अपना मुंह भी तो देखिए ना। सुनिए ना, 2 कप चाय और कॉफी मंगवा दीजिए। तो पता ना कट गया रे, स्टार्टर अगर चल गया है तो 4 प्लेट वो मंगवा दीजिए। पिछला हफ्ता जिनके शादी में गए थे ना, वहाँ ऐसा बोलना नहीं पड़ता था। फेसियल कहाँ से कराई थी रे? राखी ब्यूटी पार्लर से। अभी ना एकदम बिगाड़ दी है। मेरे यहाँ से कराती ना तो डिस्काउंट भी मिलता और इसे लाख गुना अच्छा करते, एकदम साइन मारता चेहरा। अरेंज है कि लव मैरिज है? लव मैरिज है ना। देखिए ना बबीता, तो सकल देख के समझ गए थे हम। अब आप बंद करके रखिए ना। मेरा फेस कितना वाइट हो गया है। वाइट लग रहा है? बबीता वाइट लग रहा है का? वाइट नहीं है, फेस के हिसाब से ना मेकअप होता है और मेकअप धीरे धीरे फेस पर बैठता है, इसीलिए वैसा लग रहा है। देखिएगा विदाई होते होते तक ना एकदम सेटल हो जाएगा आपका मेकअप। आपसे नहीं बोल रही, वही ना बोल रही कस्टमर है दुल्हन का, भूमा महादेव पहुंचो ना वहीं पर। सुनिए तो, हम लोग को छोड़ने के लिए गाड़ी तैयार रखिएगा, रात बिरात टैक्सी से नहीं जाएंगे हम लोग। पिछला हफ्ता जिनका शादी में गए थे ना बबीता, वो तो दूल्हा का सज्जल गाड़ी में बैठा कर वापस भिजवाई थी। ए पार्लर वाली, जरा हमको आईलाइनर लगा दो तो। अरे बुआ जी, अभी दुल्हन का मेकअप नहीं हुआ है कंप्लीट, सबका आईलाइनर नहीं लगाते हम लोग, सिर्फ दुल्हन का मेकअप और लहंगा करते हैं। बबीता दरवाजा बंद करो ना रे। ना, ये सब शादी में आने का है, कौन सी होगा। 110 घंटा से तैयारे हो रही है और ऊपर से हम पार्लर वाली से थोड़ा बोले ना कि हमारा साड़ी में तनी पिन लगा दो तो एकदम मुंह ऐट के धक्का मार के निकाली है भाभी।
एकदम बेइज्जती करके धर दिया है सब। एक तो लोग एक कोठो रूम में आईना और कंघा का इंतजाम नहीं किया है भाभी, वो तो हम स्टील का प्लेट में देख देख के तैयार हुए हैं। का बोलिएगा, बड़ी जाड़ा है भाभी। का रे डिम्पी, तुमको ठंडा होना नहीं लग रहा है रे? इतना जाड़ा में एकदम हपकट्टी पहन के घूम रही है, हमसे तो एकदम तैयार ही नहीं हुआ जा रहा था भाभी। वो तो लिपस्टिक और पाउडर हमारी बहू सब जबरदस्ती लगा दी है। हम बोले भी कि इतना जाड़ा में कौन सी फैशन करेंगे रे, तो बोली नहीं मम्मी जी, जरी मनी तो लगाने ना पड़ेगा, तो बस वही थोड़ा मोड़ा लगा दी है। भाभी, इन लोग की घर की बेटी बहू सब ना अपना पति को एक नंबर का मौगा छाप बना के रखती है, हम तो जरा टाइट में पड़ जाते हैं। इसलिए देखिए हमारी बहू सबको मजाल है कि एक को शब्द अपने मुंह से निकाले, हमेशा मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करते रहती है। हमारा बेटा बहू तो इस शादी में यही लेने आया कि हमारा बहू का मायके में भी शादी है ना, हमसे पूछे के तो गई है। सूप पिए भाभी, बढ़िया घी नहीं पिए, एकदम पानी है, हम तो हाथ मुंह धो लिए उससे। मीठ खाए भाभी? बढ़िया किए नहीं खाए, एकदम कच्चा है, ओकरा को चबाते चबाते तो हमारा नकली दांत भी टूट के गिर गया। एक नंबर दामाद लाए हैं भाभी, खूब बढ़िया खूब सुंदर। धुर, हम तो चिन्ह नहीं पा रहे थे दूल्हा को, पूछिए ना इनसे, ऐसा शेरवानी और टोपी टापी पहन कर आ गया था, हमको तो लगा शादी ब्याह में वो जादू दिखाने वाला गोगिया सरकार ने आता है, वही है, ढेल उसने लग रहा था भाई। लेकिन जो बोलिए भाभी, इनकी बेटी लोग है बड़ी भीतर गुन्नी, कहाँ तो शादियां न कर रही थी, और अभी देखिए ना कैसे उछल उछल के डिस्को डांस कर रही है। जिस लड़की को शादी करने का मन नहीं होगा, वो ऐसे अगरा अगरा के घूमेगी। अरे हम लोग को तो शादी का नाम ही सुन के दांत ही लग जाता था, और आजकल की लड़की लोग को देखिए एकदम दांत निपुरले निपुरले विदा भी हो जाती है। ए, ए बाबा, इधर सुनो तो, तुम इतना सारा चिकन लॉलीपॉप काहे खा रहा है? मुर्गा का चारे टांग ना होता है जी, और तुम यहाँ पर नौ नौ टांग ठूस कर बैठल है। हम लोग लड़की वाला है ना, तो थोड़ा आराम से, समझा? जीजा जी बहुत बड़ा मैटर हो गया है। काहे का हो गया? अरे लोग दूल्हा का जूते नहीं छोड़ रहा है, ऐसे तो बहुत बेइज्जती हो जाएगा हम लोग का। अरे सब थूकेगा थूकेगा आप पे। कितना डिमांड कर रहा है उन लोग? ज्यादा ना, बस 15,000। कोई टेंशन ना, इतना पैसा मांग रहा है जीजा जी? हम तो सुन रहे थे कि जूता का पैसा नहीं मिलने पर दहेज का केस ठोक देगा आप पे। जाओ, दिया पूरा पैसा। बस जी, ये हुआ ना बात। ए बेड्रेस, इसी बात पर हमने जीजा जी को टंगड़ी कबाब खिलाओ भाई, खिलाओ खिलाओ। अब लड़का ऐसे छुच्छा टांग जाएगा तो लानत है हमारा लड़का वाला होने पर। लेकिन अंकल, हम लोग तो लड़की वाले है ना? अरे हाँ, हम लोग तो साला लड़की वाला है। होप करते हैं आप लोग अपने घर की सर्दी वाली शादी बहुत एंजॉय किए होंगे, और जो लोग मेरी तरह नहीं जा पाए वो हमारे वीडियो को ही देखकर मन बहला लीजिए। और हाँ, बिना आलस किए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करते जाइए, बुझे।